जय हिंद साथियों। तो साथियों आज यानी कि 23 जनवरी को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आज की क्लास में सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों देखेंगे अपना पहला प्रश्न जो आपका मैथ में पूछा गया है आज। तो हमारा पहला प्रश्न है वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो हमसे वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या पूछी गई है। तो देखते हैं कि वृत्त में हम कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में हमारे द्वारा अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनंत। अगर आपसे साथ में पूछ ले कि ओ में कितनी सममित रेखाएं होती है तो ओ में भी हमारी अनंत ही सममित रेखाएं होती है। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 2 है 6 समबाहु त्रिभुजों को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है। ऑप्शन नंबर 1 है समषट्भुज, पंचभुज, षट्भुज या फिर वर्ग। तो पहले जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। अगर हम 6 समबाहु त्रिभुजों को मिलाएंगे तो हमारी आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी जो कि बन जाएगी हमारी एक षट्भुज के आकार की बन जाएगी। इसमें 6 त्रिभुज कहां पर है, हमने मान लिया यहां पर एक सममित रेखा खींच दी, एक रेखा यहां पर खींच दी और एक रेखा ऊपर से खींच दी। तो आपको ये 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर चित्र में हमारा थोड़ा अलग बन गया है लेकिन ये सारे के सारे त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे होंगे दिखने में। तो हमारी आकृति कौन सी बनेगी, हमारी आकृति बनेगी समषट्भुज जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब षट्भुज आकृति क्यों नहीं बनेगी ये भी सवाल उठता है। तो एक षट्भुज तो हमारा किसी भी तरीके का हो सकता है ना, 6 रेखाओं से बंद आकृति को हम षट्भुज कहते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर हमारी रेखा होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये भी तो हमारा षट्भुज हो गया। तो क्या ये समबाहु त्रिभुज से बनने वाला है, नहीं ये समबाहु त्रिभुज से नहीं बनता है। तो समषट्भुज बनेगा हमारा 6 समबाहु त्रिभुजों से। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है रात को 9:10 से 4:20 पहले क्या समय था। अब रात के 9:10 हो रहे हैं ये समय हमारे पास, अब 4:20 पहले क्या समय था ये हमें बताना है। तो हम इसमें 4 घंटे माइनस कर लेते हैं पहले। पहले सिर्फ 4 घंटे माइनस करेंगे, 4 घंटे माइनस करेंगे तो हमारा टाइम क्या जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और ये वाला 10 का 10 ऐसे रह जाएगा। यानी कि हमारा जो टाइम आएगा 4 घंटे पहले 5:10 हो गया था। अब 10 मिनट और घटा लेते हैं इसमें से, 10 मिनट घटा लेंगे तो कितना बजेगा, हमारे पूरे 5 बज जाएंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट और है, 4 घंटे 10 मिनट हमने घटा लिया है, 10 मिनट और घटाने हैं। तो 5 में से अगर हम 10 मिनट निकाले तो हमारा टाइम क्या रहेगा, 4:50 रहेगा जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है 1000 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। अब 1000 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमें बतानी है। तो पहले 1000 को लिख लेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 1000 लिख लिया हमने, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से इसको भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर 500 आ जाएगा और फिर 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 250, फिर आगे इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा और फिर 5 से भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, 5 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा और 5 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार है, 1, 2, 3 3 बार है तो 2 की घात 3 कर लिया और 5 भी 3 बार है तो 5 की घात 3 कर लिया हमने इस तरीके से। अब हमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी, ये नहीं पूछा गया कि सभी अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी गई है तो हमारे पास 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 है और दूसरा हमारा 5 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे इसमें, कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा। अगर कुल संख्या पूछी जाती तो हम अलग मेथड से करते तो उसमें हमारा आंसर 16 आ जाता, लेकिन इसमें पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे तो 2 और 5 हमारे 2 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है 998 में यदि पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, उनका अंतर हमें बताना है। तो जो आपके पिछले सीटेट का पेपर हुआ था पिछली शिफ्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिला था, तो इसको सोल्व करेंगे। 998 लिख लेते हैं इसमें, अब क्या करना है जो हमारा तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर पहले स्थान की संख्या लिख देनी है और पहले स्थान पर तीसरे स्थान की संख्या लिख देनी है। तो लिखेंगे 8 पहले आ जाएगा, बीच में 9 ऐसे रहेगा और ये वाला 9 लास्ट में पहुंच जाएगा। इस तरीके से घटा देंगे इसको, यहां से 2.5 लेंगे 18 हो जाएगा, 18 में से 9 घटाएंगे 9 बचेगा और यहाँ पर 2.5 लेने के बाद लेने के बाद 8 बचा था तो यहाँ से फिर 2.5 लेंगे 18 हो जाएगा, 18 में से 9 घटाएंगे 9 बचेगा, यह हमारा 8 बचा और 8 में से 8 घटाया 0 बचा। तो हमारा इसका अंतर 99 आ गया जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। अगला प्रश्न देखेंगे
प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको, तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से संख्या लिखी जाएंगी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 वाली दिखाई दे रही है। पहले इनके डिजिट गिन लेते हैं कि सबकी संख्या को डिजिट है कितनी, तो सब में 4-4 डिजिट है, तो आगे कुछ देखना नहीं है। अब सबसे पहला अंक देखते हैं, जिसका सबसे पहला अंक बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो पहले नंबर पर हमारा जाएगा 5249, 52-49 जाएगा। इसके बाद पहला अंक देखेंगे, तो पहला अंक है 3, ये वाला बड़ा है इन सब में, तो 3 वाली संख्या को लिख लेंगे, 3, 5, 6, 8 लिख लिया इस बार। अब इसके बाद देखेंगे दो संख्या हमारी आ रही है कि पहला अंक इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो पहले अंक को हम छोड़ देंगे, इससे अगला वाला अंक देखेंगे, इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो हमारी संख्या ये वाली बड़ी हो जाएगी, इसमें 5 है, इसको लिख लेंगे 2, 5, 4, 2। इसके बाद दो अंक वाली संख्या लिखेंगे, ये वाली 2, 2, 5 और 0, और लास्ट में हमारी एक संख्या बचती है 12, 48, इसको लिख लेंगे 12, 48। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम, इस तरीके से आपका अवरोही क्रम इसमें लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पहले गुच्छे में केले की संख्या दूसरे गुच्छे से 1/4 अधिक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, पहले गुच्छे में केले की संख्या जो है वो दूसरे गुच्छे से 1/4 अधिक है, और दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 गुच्छे कम है। तो पहले गुच्छे में केले की संख्या ज्ञात कीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है, बस हम ध्यान से करेंगे इसको। देखो मान लिया हमारा पहला गुच्छा ए है और दूसरा गुच्छा है बी, यहाँ पे लिख लिया हमने इस तरीके से। अब मान लेते हैं, देखो जैसे भिन्न वाला सवाल होता है, 1/4 दे रखा है, तो हम इस 4 को ही मान लेंगे कि दूसरे वाले गुच्छे में 4 है, दूसरे वाले गुच्छे में कितने केले हैं, 4 है, या मान लेंगे अपनी तरफ से, तो दूसरे वाले गुच्छे में 4 केले हैं, हमने मान लिया, एक्स नहीं मानेंगे, अगर एक्स मान के करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो मान लिया हमने कि दूसरे वाले गुच्छे में जो है वो 4 है, 4 केले हैं, और पहले वाले गुच्छे में कितने हैं, इसके 1/4 अधिक है, तो 4 का 1/4 क्या होगा, 4 का 1/4 4 × 1/4 निकाल लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी कि 1 केला ज्यादा होगा पहले गुच्छे में। इसमें 4 है हमारे बी में, तो पहले में कितना हो जाएगा, पहले में 5 केले हो जाएंगे, ये समझ में आ गया। देखो हमने यहाँ पर 4 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन हमने 4 क्यों माना, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो दूसरे गुच्छे में 4 केले मान लिया हमने, और बता रखा कि इसमें पहले गुच्छे में जो है 1/4 केले अधिक है दूसरे वाले गुच्छे से, तो इसका 1/4 निकाल लेंगे दूसरे वाले गुच्छे का, दूसरे में 4 है, तो इसका 1/4 कितना हो गया, 1/4, 4 से 4 को भाग करिए, तो 1 केला आ गया हमारा, यानी कि 1 केला ज्यादा है दूसरे वाले गुच्छे से पहले वाले गुच्छे में, और दूसरे वाले में 4 है, तो पहले वाले में कितने जाएंगे, 4+1 यानी कि 5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया इसमें। तो हमारा यहां से अनुपात कितना आ गया निकलकर, 5:4 आ गया पहले गुच्छे से दूसरे गुच्छे का अनुपात, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। और क्या आगे दिया हुआ है, दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 गुच्छे नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा केले, यहाँ पर क्या होगा, केले होगा यहाँ पर, तो दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है, तो इसमें दिखा रहा है 3 केले कम है, लेकिन हमारे यहाँ पर कितने केले कमा रहे हैं, 1 केला कमा रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई इसका मतलब। तो ये 3 हमारा आया कैसे, देखो यहाँ पर दोबारा देखते हैं, दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है ये दिया हुआ है, और यहाँ हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 1 केला कम है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। हाँ अब हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू 3 होगी, तो पहले गुच्छे में कितने टोटल 5 है, 5 × 3 कर देंगे, पहले गुच्छे में 15 केले आ जाएंगे, और दूसरे गुच्छे की बात करें तो 4 × 3 कर देंगे, 4 × 3 ये हमारा जाएगा 12 केले। तो हमसे पूछा क्या गया था, पहले गुच्छे में पूछे गए थे केलों की संख्या, तो हमारी 15 आ जाएगी पहले गुच्छे में केलों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 1500 सिक्कों का वजन 9 किलो है, तो 2200 सिक्कों का वजन ग्राम में ज्ञात करना है कि कितने ग्राम होगा। तो अब ग्राम में पूछा गया, तो पहले ऐसे करते हैं कि इस 9 किलो को ही ग्राम में बदल लेते हैं। भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, तो 9 किलो में कितने हो जाएंगे, 9 किलो में हमारे हो जाएंगे 9000 ग्राम हो जाएंगे। अब इसमें दिया गया कि 1500 सिक्कों का जो वजन है वो कितना है, 9000 ग्राम है, 3 0 ले जाएंगे 9000 ग्राम है। एक सिक्के का कितना हो जाएगा, एक सिक्के का हो जाएगा 9000/1500, इतना ग्राम हो जाएगा। अब कितने का पूछेगा, 2200 का पूछा गया, तो 2200 की इसमें गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2200 सिक्कों का वजन कितना हो जाएगा, 9000/1500 × 2200। सोल्व करेंगे इसको, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, अब आगे क्या कटेगा,
15 से ही काट देते हैं, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 2 जीरो पीछे बचेंगे, 600 बचेगा यहाँ से, यहाँ से हमारा 600 बच गया, इधर हमारा 22 है, दोनों की गुणा कर लेंगे यहाँ पर, किस किस की, 600 की और 22 की, तो 2 जीरो तो ऐसा कैसे लग जाएंगे, 600 गुणा कर लेंगे इसकी, 6 दूनी 12 का दो हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 हासिल का 13, यानी कि 13,200 ग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी साथी आज एग्जाम देकर आए हैं, इन ऑप्शंस को ना देखें, कभी ये सोचे कि हमारे पेपर में तो ये ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शंस हमने अपनी तरफ से बनाए हैं ज्यादातर। अब बच्चा हमें क्वेश्चन तो याद रखता, सभी ऑप्शंस उसके याद नहीं रहते हैं, तो क्वेश्चन लिख के भेज देता है, तो ऑप्शंस हम अपनी तरफ से बनाते हैं, लेकिन सही ऑप्शंस ये होगा, ठीक है। तो ये मिलान ना करें कि हाँ पेपर में भी ये वही ऑप्शन थे तो यहाँ भी आपको वही ऑप्शन मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो ये 5 भिन्न दे रखी है यहाँ पर, सबसे छोटी भिन्न की हमें पहचान करनी है, तो लिख लेंगे इन भिन्न को यहाँ पर दोबारा, 4/9 लिख लिया, 11/12 कर लेंगे, इसके बाद 1/8 लिख लेंगे, और उसके बाद 5/36 लिख लेंगे, इसके बाद लिख लेंगे 5/72, इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो एलसीएम लोगों इनका तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, भिन्न कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है ये निकालने के लिए हम अंश और हर का अंतर कर लेते हैं, लिख लेंगे 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, यहां से घटाएंगे 1 बचेगा हमारा, और यहां से घटाएंगे 7 बचेगा, और इनको आपस में घटाएंगे तो हमारा 31 बचेगा, और अगर इनको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 67, हाँ 67 और 5 72, हमारा 67 बचेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा अंतर आया इससे अंश में भाग दे देंगे, जो सबसे छोटा आएगा वो छोटी भिन्न होगी, जो बड़ा आएगा वो बड़ी भिन्न होगी, तो देख लेंगे 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 67 से भाग करनी है, तो 67 से भाग करने पर ही सबसे छोटी संख्या आ जाएगी हमारी, तो इसको और को भाग करके नहीं देखेंगे, हमारी यही भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी 5/72, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शंस भी हमने अपनी तरफ से ही बनाए हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 10, फूलों के एक गुलदस्ते में 5 गुलाबी 10 लाल और 4 सफेद रंग के फूल हैं, तो 3 तरीके के फूल आपके दिए हुए हैं, 5 गुलाबी हैं, 10 लाल हैं और 4 सफेद रंग के फूल हैं, यदि एक फूल में 6 पंखुड़ियां हैं तो पंखुड़ियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको कलर दे रखे हैं ये कुछ नहीं है, घुमाने के लिए दे रखे हैं आपको, बस एक रंग के भी फूल दे सकता था तब भी उसी तरीके से करते, अलग अलग रंग के फूल दिए तब भी उसी तरीके से करेंगे, टोटल फूल गिन लेते हैं कि फूल है कितने, 5 गुलाबी हैं, 10 लाल हैं और हमारे सफेद कितने हैं, 4 सफेद हैं, टोटल हमारे हो गए 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 फूल हो गए हमारे, और दिया हुआ कि एक फूल में हमारी कितनी पंखुड़ियां हैं, 6 पंखुड़ियां हैं, तो 19 में कितनी होंगी, 19 गुना 6, और 19 छक्का कितने होते हैं, 19 छक्का होते हैं 114 पंखुड़ियां हो जाएंगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 11 है, 5.1 मीटर की मेज पर पूरी तरह से ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर आकार के कपड़े को कितनी बार रखा जाना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक डाउट है, वो डाउट ये है, ये जो हमारा देखा 5.1 मीटर यहाँ पर दिया हुआ होना चाहिए कि वर्गाकार मेज है, जो मेज की सतह है वो वर्गाकार है, और ये जो कपड़ा है ये भी वर्गाकार का क्यों होना चाहिए था, क्योंकि एक ही भुजा दे रखी है, और हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज दे रखी है, तो या तो ये होगा कि वर्गाकार मेज है और जो कपड़ा वो भी हमारा वर्गाकार है, एक तो तरीका ये हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो 5.1 मीटर दे रखा है ये 5.1 मीटर का स्क्वायर होकर ये क्षेत्रफल होना चाहिए, कि मेज के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल है और ये भी हमारे कपड़े का क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी, तो इस तरीके से हो सकता है, तो दोनों तरीके के क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे इसमें, और दोनों से हमारा अलग अलग आंसर आएगा। तो पहले ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लिया हमारा जो मेज की ऊपरी सतह है ये वर्गाकार है, तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मेज के क्षेत्रफल को कपड़े के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, करेंगे इसको। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ऐसा करते हैं कि जो मीटर में दिया हुआ है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, और 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 5.1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 510.0 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लास्ट वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि दशमलव के बाद है, 510 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, 510 × 510, ये आ गया हमारा मेज की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, इसको कितने से भाग कर देंगे, कपड़े के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, ये भी सेम है वर्गाकार है क्योंकि 30 × 30, इन दो जीरो से ये वाले दोनों जीरो कट जाएंगे, ये वाले 3 से भाग करेंगे 17 आ जाएगा, इस वाले 3 से भाग करेंगे 17 आ जाएगा, आगे क्या जाएगा, 17 × 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, तो 289 बार वो कपड़ा रखा जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अब दूसरा तरीका और देखते हैं, मान लिया ऑलरेडी ही क्षेत्रफल दिया हुआ है तो फिर हमें क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस क्षेत्रफल को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ये जो मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है 5.1 मीटर का स्क्वायर, इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 100 से, तो तब गुणा करते हैं जब हमारी सिंपल भुजा दी हुई होती है, क्षेत्रफल दिया हुआ है इसलिए एक बार 100 से और गुणा कर लेंगे, यानी कि
हम कितने से गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा कर लेंगे, और गुणा करेंगे तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं हमारे, तो इसके पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, ये लग जाएंगे हमारे 51, क्योंकि एक जीरो तो इसको 10,000 हटाने में खर्च हो जाएगा, हमारे 3 जीरो लग जाएंगे, इसके पीछे 51,000 आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है इतना, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा। मान लो दूसरे क्वेश्चन जो हमने बताया था कि दूसरे तरीके से ये हो सकता है, ये हो गया मान लो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 से इसको भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और फिर 3 से भाग करेंगे तो 17 51 1700 हो जाएगा, यानी कि 1700 बार रखना पड़ेगा अगर ये क्षेत्रफल के रूप में दिया हुआ है तब। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हमने आपको क्वेश्चन करा दिया है, पूरा पक्का पर नहीं पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, और प्रश्न नंबर 12 आपका मिलान करने के लिए आया था, मतलब इस तरीके से आया होगा क्वेश्चन, ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं पता बट वैल्यू यही दी हुई है आपकी, तो समझेंगे इसको क्वेश्चन को। मिलान करना है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, 180 डिग्री कोण को स्ट्रेट कोण कहते हैं, तो ये वाला इससे मिल जाएगा हमारा, पहले नंबर का सी से मिल जाएगा। और 60 डिग्री का कोण एक्यूट एंगल को कहते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम का होता है, 90 डिग्री से कम के एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं, और ये हमारा 60 क्या 90 से कम है। अब देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जो 90 से तो ज्यादा होता है, 90 से क्या होता है ज्यादा होता है, और हमारा कितने से कम होता है, हमारा कम होता है 180 डिग्री से कम होता है, यानी कि 180 डिग्री से कम होगा और 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उस एंगल को कहेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल, और हिंदी में कहते हैं इसे अधिक कोण, जो हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, एक बचा 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं, तो हमारा पहला किससे मिल रहा है, सी से मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है हमारा ए से, तीसरा मिल रहा है हमारा बी से, और चौथा मिल रहा है हमारा डी से, यानी कि सी ए बी डी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो एक है ऑप्शन नंबर एक इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन भी हमने अपने आप खुद से बनाए हैं। अब आपका एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डेसिमल में आपकी संख्या दी होंगी 25.12 प्लस 36.24, इस तरीके से थी, दो डेसिमल की संख्या जुड़ी हुई थी और उनमें से एक संख्या घटानी थी, कोई सी भी एक 11.35 ले लेते हैं इस तरीके से, मतलब इस तरीके का आपका कोई एक क्वेश्चन था, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तरीका ये रहेगा सोल्व करने का उसको, तो देखेंगे कैसे करेंगे, तो पंक्ति विधि से इसको ना जोड़कर हम सीधा स्तंभ विधि से जोड़ेंगे, स्तंभ विधि मतलब इसको लिख लेंगे इस तरीके से 25.12 लिख लेंगे 36.24 इस तरीके से। ठीक है, 2 और 4 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 6 5 11 1 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6 हो जाएगा, 61.36 जाएगा, 61.36। देखो आपका ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं था लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन था, दो दशमलव की संख्या को जोड़ना था और उनमें से एक दशमलव की संख्या घटानी थी, तो कुछ तरीके का क्वेश्चन था, तो इसको घटा लेंगे आगे, 11 को इसके नीचे लिख लेंगे और 3 3 5 लिख लेंगे, 11 3 5। देखो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना और बाद में अंक इस तरीके से लिख देने हैं, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 बचेगा, 6 में से 1 में से घटाएंगे 0 बचेगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, यानी कि 50.01 आ जाएगा। तो इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन था आपके एग्जाम में जो पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया था, वो आपका था मैप से, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि मैप में दे रखा था कि 2.5 की सेंटीमीटर की दूरी मैप में 1000 किलोमीटर है, रियल में जो दूरी जो है 1000 किलोमीटर, और कुछ वैल्यू दे रखी होगी कि 5 सेंटीमीटर की दूरी, बताओ कि 5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी एक्चुअल में। ठीक है, तो मैप में जो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी है वो 1000 किलोमीटर दे रखी है, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी, 1000 को भाग कर देंगे कितने से, 2.5 से, और 5 की निकालनी है तो 5 से गुणा कर देंगे, 10 हटाने के लिए 1 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, और 25 से किसको काट, इसी को काट लेते हैं, 25 चौका 2 जीरो लगा देंगे। अब आगे अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो इतने किलोमीटर आ जाएगी, मतलब कुछ नहीं करना, सिंपल 1 की वैल्यू निकालनी है और अगले वाले से गुणा कर देनी है। तो इस तरीके से था आपका मैप से एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके सभी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो जो भी साथी अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।